अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक फास्ट फूड की रेसिपी लेकर आया हूँ। बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ऐसे लोग जो जो फास्ट फूड को खाना पसंद करते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन और जो टीन एज लोग होते हैं उन्हें जो फास्ट फूड बहुत पसंद होता है। तो मैं आज आप लोग को बहुत ही आसान तरीन एक वेजिटेरियन रेसिपी बनाना सिखाऊंगा। बनाना भी बहुत आसान है, मैंने पहले इसे ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े का बना। तो चलो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी ये लेकर आऊँ आप इसकी रेसिपी। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, तकरीबन हर चीज़ घर में मौजूद होती है। सिर्फ बर्गर बनाते हैं भाई से लाने, चलो दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। फिंगर चिप्स बर्गर या फ्रेंच फ्राइज बर्गर या ऐसे चिप्स बर्गर भी आप कह सकते हैं। चलो दोस्तों से शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों फिंगर चिप्स बर्गर बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक अदद ये जो हॉट डॉग का बर्गर होता है लंबा वाला, ये लिया है। आप गोल भी ले सकते हैं, मैंने लंबाई में इस वजह से लिया है, इसे इजी टू हैंडल करना होता है। जो फिंगर चिप्स वाला बर्गर होता है, यानी फ्रेंच फ्राइज बर्गर है दोस्तों, ये बहुत मज़े का बनता है। तो एक मैंने लिया है ये जो है हॉट डॉग का, ये इजीली मिल जाता है मार्केट से, तो आपने ये लेना है एक पीस। मैं एक वन पर्सन के लिए बना रहा हूँ, अगर आपने ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है, तो आपने डबल ट्रिपल कर लेना है। और दोस्तों ये है बटर, ये वाइट बटर है जो बर्गर बांध है, इसे हम टोस्ट करेंगे इसके साथ, हसबे ज़रूरत हमें चाहिए। और दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा ये मैंने जो है इस साइज़ के, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह, इस साइज़ के थोड़े से लंबाई में मैंने फिंगर फॉर्म में चिप्स को काट के रखा हुआ है। ये तकरीबन 3 आलू हैं मीडियम साइज़ के, इसे मैंने छील के 2-3 चुटकी नमक लगा के धो के यहाँ पे रखा हुआ है। इस टाइम नमक मैंने लगा दिया है और ये आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा ये पानी भी छोड़ रहे हैं, तो इससे नमक लगा हुआ है, नमक लगा के अपने रख लेना है। इसे हम फ्राई करेंगे। दोस्तों 2 टेबलस्पून के करीब केचप है, एज पर नीड जितनी आपको ज़रूरत है, जितना आपको टेस्ट पसंद है उस हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा। तो ये 2 टेबलस्पून केचप है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स में जाएगा 2 टेबलस्पून जो है मायोनीज है। और दोस्तों हसबे ज़रूरत हमने यहाँ पे एक एक चुटकी के करीब जो है काली मिर्च रखी हुई है, ये मिक्स इटालियन हर्ब है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिएगा। और एक चुटकी हम नमक यूज़ करेंगे। और फ्रेंच फ्राइज को जो हम करेंगे डीप फ्राई करेंगे, ये वेजिटेबल ऑयल है, हसबे ज़रूरत 1 कप के करीब यूज़ होगा ये। और इसमें अपने हिसाब से जो आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, इसके अंदर आप टमाटर के स्लाइस काट सकते हैं, डाल सकते हैं प्याज, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ बंद को भी यूज़ करूँगा, तो मुझे प्याज का फ्लेवर पसंद नहीं है, मैं बंद को भी यूज़ करूँगा इसे सिर्फ। तो आप बारीक स्लाइस करके प्याज डाल सकते हैं और टमाटर डाल सकते हैं, खीरा भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है आप इसके साथ डाल सकते हैं, लेटस भी डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है सॉस पैन एक रख लिया है, फ्राई पैन ले लें, सॉस पैन ले लें, कुछ भी ले लें, या डीप फ्राई जिसमें आप करते हैं कढ़ाई ले लें, उसके अंदर मैंने 1 कप के करीब वेजिटेबल ऑयल डाल दिया। और इसके अंदर हम अपने ये जो है कटे हुए फिंगर फॉर्म में जो चिप्स हैं आलू के, ये डालेंगे। और दोस्तों कोशिश करना आपने इसे हाई हीट के ऊपर नहीं करना, मीडियम हीट के ऊपर करना है। और आपने जो स्लाइसेस वगैरह इसके आपने, और दोस्तों इसके स्लाइसेस जो आपने मोटे मोटे रखने हैं जैसे मैंने रखे हुए हैं, ज़्यादा बारीक थिन नहीं करना आपने। 10-15 मिनट्स में ये बहुत अच्छे तरीके के साथ हो जाएंगे। और जैसे ही होते हैं फिर हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। अरे जी दोस्तों हमारे 5-10 मिनट हुए, हमारी ये देखिए चिप्स जो है तैयार है, फिंगर चिप्स तैयार है, इसे हम निकाल लेते हैं फिर अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों मैंने एक स्किलेट रख लिया है, एक तवा रख लिया है, इसके ऊपर हम जो बर्गर बांधते हैं, जो हम फिंगर चिप्स का बर्गर बना रहे हैं इसे टोस्ट करते हैं। उसके लिए हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब बटर डालते हैं, ये वाइट बटर है, आपके पास जौन सा भी है वो आप डाल सकते हैं, अगर बटर नहीं है तो आप इसकी जगह पे हल्की आंच के ऊपर मैंने इसे बटर को डाला है। और ये फॉर्म बर्न होना शुरू हो जाता है, इस वजह से आपने इसे हल्की आंच पे करना है,
और ये जो हमारे बर्गर बन रहे हैं हम इसके ऊपर टॉस करेंगे। अगर मक्खन नहीं तो आप वेजिटेबल घी के साथ भी कर सकते हैं और वेजिटेबल ऑयल के साथ भी कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा बटर में कीजिएगा, बटर से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनेगा बर्गर का। चलिए दोस्तों फिंगर जो चिप्स का जो बर्गर हम बना रहे हैं इसके असेंबलिंग करते हैं। यहाँ पे हमारा जो है बर्गर बन जो है बहुत अच्छे से टोस हमने कर लिए, तो आपने अपने हिसाब से कर लेना। अगर आपको ज़्यादा ब्राउन पसंद है तो आप ज़्यादा ब्राउन कर लीजिएगा। इसका जो है टॉप पार्ट है और यह है बॉटम पार्ट है, जैसे मैं आपको बताऊँगा आपने उसी तरह असेंबलिंग करनी है। दोस्तों जो इसका बॉटम पार्ट है इसके ऊपर हम मेयोनीज लगाएंगे। चलिए दोस्तों ये लग गया, अब हम जो इसका अपर पार्ट है ये वाला इसके ऊपर हम केचप लगाएंगे। ये 2 टेबल स्पून है लेकिन मैं 1 टेबल स्पून के लिए लगा रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे फिर ज़्यादा हो जाएगी। जी दोस्तों ये हो गया, अब हम इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारे बंद गोभी है, मैंने इसे बारीक स्लाइस में काट के रखा हुआ है। हम थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर मायोनीज वाले पार्ट के ऊपर डालेंगे, ज्यादा ना डालिएगा थोड़ी थोड़ी डालिएगा, बस ये हो गया। आप इसकी जगह पर लेटस लगा सकते हैं, लेटस इसके साथ लेटस भी लगा सकते हैं, टमाटर खीरा जो आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। मेरे दोस्तों ये हो गया, अब हम इसके ऊपर अपने जो फिंगर चिप्स हमने बना कर रखी है ये लगाएंगे बहुत ही त्याग के साथ इस तरह। और कोशिश कीजिए इसी साइज में आपने काटने जितना आपका हॉट डॉग का बंद है ये सारा आपने लगा लेना। जी दोस्तों ये हो गया, ये देखिए इस तरह। अब इसके ऊपर हम जैसे मैंने आपको बताया था 1 चुटकी ब्लैक पेपर, स्प्रिंकल कर देंगे 1 चुटकी के करीब। वन चुटकी साल्ट, और दोस्तों ये टोटली ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था 1 चुटकी के करीब हम इसके ऊपर मिक्स इटालियन जो हर्ब है ये शामिल कर देंगे, इससे फ्लेवर बजाना बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं है तो स्किप कर दें। दोस्तों ये बहुत आसानी से बर्गर बन जाता है और खाने में बहुत मजे का होता है। अब ये जो इसका टॉप पार्ट है इसके ऊपर हम लगा देंगे आराम के साथ, ये तैयार है। दोस्तों इसे मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ फिर मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों हमारा मज़ेदार फिंगर चिप्स का बर्गर तैयार है, आप फ्रेंच फ्राइज बर्गर कह सकते हैं, हम चिप्स बर्गर कह लें, और प्योर वेजिटेरियन बर्गर है। ऐसे लोग जो वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं या जो है नॉन वेज नहीं खा सकते तो वो ये वाला बर्गर बनाएं तो बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए, और देखिए बहुत आसानी के साथ बन गया, बहुत इसका फ्लेवर अच्छा होता है। दोस्तों मैंने पहले से बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आप लोग के लिए डिज़ाइन किया है, तो फिर मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो मैंने इसे कोशिश की है सिंपल तरीन रखूँ ताकि हर बंदा इसे आसानी के साथ घर में बना लें, कोई इसमें महंगे मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ नहीं किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये फिंगर चिप्स बर्गर पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करना, अपने कॉमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से भी सब्सक्राइब करते रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, इसे ज़रूर बनाइएगा।